जदों मोदी खाना चलाया 13 ही 13 करके तोल के दिता, दौलत खान कहन लगा हिसाब करो हट्टी विच, जदों हिसाब होया 735 रुपये गुरु नानक दे वध निकले। बड़ा हैरान होया, नानक तू किसे कोलों पैसे लेंदा नहीं से, ते चोलियां पर पर के सब नू देंदा से, कोई भी तेरे हट्टी तो खाली नहीं सी मुड़दा, ते फिर ये हट्टी विच जदों हिसाब कीता ते तेरा नफा किवें निकलाया। गुरु नानक साहब जी कहन लगे, दौलत खान जेड़ा रब दे रस्ते ते खर्च करदा है ना, उहदे कदे भी कम्मां विच घाटे नहीं पैंदे। आओ सारे प्यार नाल, ये गुरु नानक साहब की सिख्या है, जिथे नाम जपना है उथे धर्म की किरत करनी है, ते फिर वंड के छकना। दौलत खान बड़ा खुश होया, होर चलाओ मोदी खाना, कहन लगे नहीं, बस हट्टी दियां चाबियां दे दितियां। दौलत खान ने पूछया, तू हिंदू नू भी देंदा से, मुसलमान नू भी देंदा से, कोई फर्क नहीं करदा से किसे विच? गुरु नानक साहब कहन लगे, सारे ही रब दे बंदे हैं, क्योंकि आप निरंकार जो सन, सृष्टि दे मालक सन। ये जात पात तां दुनिया दे लोकां ने बनाई है, रब ने तो नहीं बनाई। उच्चारण करो श्री, रब ने तो बंदा पैदा कीता कि जो मेरी बंदगी करेगा वो बंदा। जिस वेले दौलत खान ने आख्या, जदों तू सारियां नू अपना समझना है, कोई वितकरा नहीं करना, तो फिर मेरे नाल चल के मसीत विच नमाज पढ़ेगा। गुरु नानक बोले, जरूर पढ़ांगा, पर मेरी एक शर्त है, जे मेरे नाल नमाज पढ़ोगे तो मैं तुहाडे नाल पढ़ांगा। दौलत खान लै के गुरु नानक साहब जी नू मसीत विच पहुंचिया। भाइया जयराम डर गया, दौड़ के घर आया। गुरु नानक दी भैन बेबे नानकी नू कहन लगा, अज एक होर वड्डा काटा पैन लगा, हट्टी विच काटा जेड़ा पैना सी ओ तां मैं पूरा कर लैंदा, पर हुण दौलत खान नानक नू चकमा दे के ना ते मसीत विच लै गया, इवें नमाज पढ़ा के ना उनू मोमन बना देवेगा। बेबे नानकी कहन लगी, तुसी इवें ही घबरा जांदे हो, मैं तुहानू कहा सी ना हट्टी च काटा नहीं होएगा, जिथे मेरा वीर बहिंदा ना उत्थे वादा ही वादा हुंदा, ते हुण भी तुसी देख लेना ये मेरे वीर नानक दा कोई चोज है जो मसीत विच गए, तुसी घबराओ नहीं, वो नमाज पढ़न नहीं गए, वो उन्होंने नमाज पढ़ान गए हैं। उच्चारण करो श्री। जिस वेले नमाज शुरू हुई, सब नमाज अदा कर रहे, गुरु नानक साहब जी एक पासे ते बैठे, नमाज खत्म हुई तां दौलत खान कहन लगा, नानक तू साडे नाल नमाज क्यों नहीं पढ़ी? बाबा कहन लगा, तुसी मेरी शर्त ही नहीं मनी, मैं कहा सी ना तुसी रब दे अगे खुदा दे अगे नमाज पढ़ोगे तो मैं तुहाडे नाल पढ़ांगा। दौलत खान कहन लगा, सी खुदा गई तो नमाज पढ़ी है? बाबा नानक कहन लगे, दौलत खान जिस वेले तू नमाज पढ़ रहा से, तेरा मन तो काबल विच घोड़े खरीद रहा सी, तू नमाज खुदा के किथे पढ़ी है? क्योंकि खुदा दे घर विच, गुरु दे घर विच जिथे तन की हाजरी है उथे मन की भी हाजरी है, मन तो तेरा गैर हाजिर सी, काबल विच घोड़े खरीद रहा सी। गुरु नानक साहब बोले, मत्था टेके जमी पे
दिल उड़े आसमान, काबल घोड़े खरीददा दौलत खान पठान। सच दस चरना ते मथा टेकिया जी, जिस वेले नमाज हो रही सी ते मेरा मन यही कह रहा सी किस वेले नमाज खत्म होवे ते नफर नू अपने नौकर नू काबल भेजा ते घोड़े खरीद लिया। उचारण करो श्री गुरु नानक, तो दिल दिया जानता है। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। मसीत दा मौलवी आ गया, नानक दौलत खान ने नमाज नहीं पढ़ी, खुदा के आगे मैं तो पढ़ी है, तू मेरे नाल पढ़ लेंदा। गुरु नानक साहब कहन लगे, मौलवी साहब तुसी भी नमाज खुदा के आगे नहीं पढ़ी, तुहाडे घर विच है एक कौड़ी, कौड़ी ने दित्ती है वशेरी, ते तुसी मन विच नमाज पढ़दे यही सोचदे रहे भाई ओ जेड़ी छोटी कौड़ी है ना वशेरी, कौड़ी दी बच्ची छोटी वशेरी, उनू बन के आना भुल गए कि पिछले पासे तुहाडे घर दे खूह है टोया है, तुसी नमाज पढ़दे यही सोचदे रहे भाई कितने ओ जेड़ी वशेरी है उस टोए विच ना जा पवे। उचारण करो श्री, उस कुएं च ना गिर जावे। मौलवी ने हाथ जोड़े, नानक तू पूर्ण है असी अधूरे हाँ। उचारण करो श्री, धन गुरु नानक पातशाह कहन लगे, तुहाडा भी पूरे नाल कनैक्शन बन सकदा है जदों मन करके पूरे दे गुण गाओगे। गुरु साहब बाणी विच कहंदे ना, पूरा प्रभ आराध्या, सारे जपो ना, पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नाओ, नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। गुरु नानक ने अकाल पुरख जी दे गुण गाए, प्राणा करके मन करके